प्यारे विद्यार्थियों, मैं तेज करण चौहान, सह आचार्य इतिहास। आज के इस व्याख्यान में हम मानसिंह के द्वारा की गई मुगल सेवाओं की चर्चा करेंगे। पिछले अध्याय में हमने 1590 तक राजा मानसिंह के द्वारा अकबर और मुगल साम्राज्य की गई सेवाओं के बारे में चर्चा की थी। मुगल सत्ता को पूर्वी भारत में स्थापित करने का श्रेय भी मानसिंह को ही दिया जाता है। पानीपत के युद्ध में अफगानों को यद्यपि पराजित कर दिया गया था, लेकिन पूर्णतया उनकी शक्ति का दमन नहीं किया जा सका था। शेर शाह और उसके अनुयायी अफगान और पठान बिहार और उड़ीसा और बंगाल में अपनी एकताओं के साथ शासन कर रहे थे और वे धीरे धीरे शक्तिशाली संगठन बनाकर मुगल सरकार के लिए खतरा बनते जा रहे थे। और अकबर के द्वारा सत्ता संभालने के पश्चात 1580-85 के आसपास तक अकबर इन पूर्वी भारत के क्षेत्रों में पर्याप्त ध्यान नहीं दे पाया था। इस कारण भी अफगान और पठानों ने पूर्वी भारत की स्थानीय शक्तियों के साथ मिलकर एक मजबूत गठजोड़ बना लिया था, जो आने वाले समय में मुगल सत्ता के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकते थे। ऐसी अवस्था में 1587 में राजा मानसिंह को अकबर ने बिहार का सूबेदार नियुक्त किया। उस समय बिहार में चारों तरफ अव्यवस्था फैली हुई थी। बिहार के स्थानीय राजा और सरदार आपसी संघर्षों में व्यस्त थे और मुगल सम्राट तथा उसके उत्तराधिकारियों की अवज्ञा करते हुए स्वतंत्र शासकों की भांति आचरण करने लगे थे। इसकी देखा देखी कुछ पठान और अफगान अमीर जमींदार भी मुगलों की केंद्र सत्ता के विरुद्ध उठ खड़े होने शुरू हो गए थे, जिससे सारी बिहार प्रांत की शासन व्यवस्था को लकवा मार गया था। ऐसी विषम परिस्थितियों में मानसिंह को कार्यभार संभालते ही जटिल समस्याओं का सामना करना पड़ा। मानसिंह ने बिहार की आंतरिक राजनीतिक स्थिति का पूरी तरह से अध्ययन भी नहीं किया था कि इससे पूर्व ही उसके पिता राजा भगवंत दास की मृत्यु हो गई और उसे पुनः आमेर लौटना पड़ा। 14 फरवरी 1590 को मानसिंह का विधिवत राज्याभिषेक हुआ और अकबर ने उसे राजा की उपाधि प्रदान की और 5000 मनसब प्रदान किया। कुछ दिनों तक आमेर में रहने के बाद वह बिहार में अपने सूबेदारी की तरफ लौटे और सूबे में शांति व्यवस्था स्थापित करने के कार्यों में जुट गया। यहाँ से मानसिंह के जीवन के एक लंबे और गौरवपूर्ण अध्याय की शुरुआत होती है। वह एक प्रांत का सर्वोच्च अधिकारी बना। उसने सम्राट के नाम पर अनेक युद्ध जीते और पराजित शक्तियों के साथ संधियां की। बिहार के उद्दंड अनुशासनहीन और विद्रोही सरदारों का दमन करने में मानसिंह को पूरी सफलता मिली। इन विद्रोही सरदारों में सबसे शक्तिशाली सरदार गिद्धौर, खड़गपुर
और हाजीपुर के शासक थे। सर्वप्रथम गिदोर के राजा पूर्णमल पर आक्रमण कर पूर्णमल को हराया और उसके पटना के पूर्व में स्थित संपूर्ण इलाके पर कब्जा जमा लिया। मानसिंह अपने कछवाहा सैनिकों और शाही सैनिकों के साथ गिद्धौर पर आक्रमण कर पूर्णमल को आसानी से हरा कर उसके खजाने को हस्तगत कर लिया। पूर्णमल ने अनेक चुने हुए हाथी और कीमती वस्त्र में मानसिंह को भेंट की और मुगल सम्राट की अधीनता स्वीकार की। उसने अपनी पुत्री का विवाह भी मानसिंह के भाई चंद्रभान से किया। इकबाल नामा जहांगीरी से जानकारी प्राप्त होती है कि उसके साथ साथ कई अन्य स्थानीय जमींदारों ने अपनी बहन बेटियों का विवाह मानसिंह के अन्य भाई भतीजों के साथ संपन्न किया। उसके बाद मानसिंह ने खड़गपुर के राजा संग्राम सिंह को पराजित किया। उसने भी शीघ्र ही मानसिंह की अधीनता स्वीकार कर ली। बिहार के पूर्वी क्षेत्र की सफलता के बाद मानसिंह ने पटना के दक्षिण की तरफ ध्यान दिया और गया में अनंत चेरू के आतंक को समाप्त किया। गया के पश्चात शंभुपुरी के शासक को पराजित किया और वहां एक नए नगर मानपुर की स्थापना की। दक्षिणी बिहार में शांति और व्यवस्था की स्थापना करने के वक्त उसकी अनुपस्थिति का लाभ उठाकर बंगाल से आए हुए कुछ मुस्लिम विद्रोही नेताओं ने बिहार के पूर्वी भाग पर आक्रमण किया और उन्हें पूर्णिया और ताजपुर को लूटा। उसके पश्चात जब विद्रोही हाजीपुर की तरफ आ रहे थे तब मानसिंह अपने पुत्र जगत सिंह को पटना की सुरक्षा का दायित्व सौंपकर अपने सैनिक दस्ते के साथ हाजीपुर की तरफ बढ़े और उन्होंने उन संपूर्ण विद्रोहियों का पूरी तरह से दमन किया। मानसिंह को इस संपूर्ण अभियान में अनेक में मूल्यवान वस्तुएं प्राप्त हुई और उसने 54 हाथी अकबर के पास लाहौर भिजवाए। बिहार पर अपना पूर्ण कब्जा जमाने के उपरांत मानसिंह ने उड़ीसा पर आक्रमण किया। बिहार के विद्रोहियों का दमन और शासन व्यवस्था स्थापित करने के बाद जब मानसिंह ने उड़ीसा पर आक्रमण किया तब अकबर के आदेशानुसार बंगाल से मुगल तोपखाना भी उसके पास आ गया। भागलपुर और बर्दवान के रास्ते से होता हुआ वह हुगली पहुंचा। कुछ समय वहां रुकने के बाद उड़ीसा के अफगान राजा कुतलुग खां के विरुद्ध एक सेना रायपुर को जीतने के लिए भेजी। मानसिंह ने अपने पुत्र जगत सिंह को भी उनके साथ भेजा परंतु अनुभव और सूझबूझ की कमी के कारण से वह अपनी सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था नहीं कर पाया। उससे पहले ही अफगानों ने अचानक मुगल कछवाहा सेना पर आक्रमण कर दिया और थोड़ी देर की लड़ाई के बाद बीका राठौड़, महेश दास और नारू चौहान आदि मुगल अधिकारी संघर्ष करते हुए मारे गए। स्वयं जगत सिंह भी घायल हो गया। रायपुर युद्ध के पराजय ने मानसिंह को क्रोधित कर दिया और उसने स्वयं कुतलुग खां पर आक्रमण की तैयारी शुरू की। परंतु संयोगवश कुछ दिनों बाद ही कुतलुग खां की मृत्यु हो गई। परंतु उसके पुत्र नासिर को मानसिंह ने पराजित किया और उसने मुगलों की अधीनता स्वीकार करने, अकबर के नाम से खुतबा पढ़ने, सिक्के डलवाने और भविष्य में अकबर के प्रति स्वामी भक्ति का वचन प्राप्त कर उसे उसके साथ संधि स्थापित की।
उसने प्रसिद्ध जगन्नाथपुरी का मंदिर भी सम्राट को सौंपने की बात स्वीकार की और स्वयं युवा सुल्तान नासिर मानसिंह की सेवा में उपस्थित होकर क्षमा याचना की और 150 हाथी मानसिंह को सौंपे। इस प्रकार मानसिंह ने संधि को स्वीकार किया, परंतु फिर भी अफगान लोगों ने संधि को पसंद नहीं किया और जब तक उसका मंत्री ईसा खां जीवित रहा उसने अफगानों को नियंत्रित करके मुगलों के साथ संघर्ष करते रहे। 1596 में ईसा खां की मृत्यु के बाद अफगान सरदारों को नियंत्रण में रखने वाला कोई बुद्धिमान व्यक्ति नहीं रहा, तो उन्होंने रायपुर के संधि का वचन भंग करते हुए जगन्नाथ मंदिर को लूटने का प्रयास किया और वहां के मुगलों के संरक्षक को खदेड़ कर बाहर कर दिया। परंतु शीघ्र ही मानसिंह ने पटना से उड़ीसा की तरफ रवाना होकर बंगाल के सूबेदार सईद खां को साथ लेकर इन संपूर्ण अफगान विद्रोहियों को उत्तरी सीमांत की तरफ खदेड़ दिया। जलेसर, भद्रक, खुर्दा, सारनगढ़ इत्यादि जगह पर इनको पराजित करके इनके किलों और क्षेत्रों पर अधिकार स्थापित कर लिया। खुर्दा का राजा यद्यपि कुछ समय तक संघर्ष करता रहा, अंत में खुर्दा के राजा रामचंद्र देव ने भी मानसिंह के सामने घुटने टेक दिए और ओल, जलेसर, सारनगढ़ इत्यादि पर मानसिंह ने कब्जा कर लिया। खुर्दा के राजा ने अकबर की सहजता को स्वीकार किया, अतः जब मानसिंह ने अधिक कठोर शर्तें उसके सामने रखी तो स्वयं अकबर ने उसमें कुछ संशोधन किया और पत्र लिखा कि खुर्दा के राजा की सेवाओं को स्वीकार कर लिया जाए। इस अवसर पर राजा रामचंद्र देव ने अपनी पुत्री अक्षय देवी का विवाह मानसिंह के साथ किया। उड़ीसा की विजय के फलस्वरूप भी मुगलों के पूर्वी प्रांतों में शांति स्थापित अभी तक पूर्ण नहीं हो पाई थी, क्योंकि बिहार की अशांति अब बंगाल की तरफ स्थानांतरित हो गई। जब मानसिंह ने कुतलुक खां के वंशजों को उड़ीसा से जड़मूल से समाप्त खत्म करने की दृष्टि से पूर्वी बंगाल के फरीदपुर कस्बे में उनको जागीरें प्रदान की और उनको इस आशय के साथ वहाँ बसाया कि ये लोग वहाँ रहकर उड़ीसा और बिहार में उपद्रव नहीं करेंगे। परंतु शीघ्र ही मानसिंह ने इस आदेश को वापस ले लिया, क्योंकि उसे लगा कि ये ठीक नहीं है। इसी बीच मानसिंह ने उड़ीसा और तेलंगाना के मध्य स्थित मानपुर के दुर्ग को भी जीता और कुछ समय तक रोहतास में रहकर शांति व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया। इसी समय उसे अकबर का आदेश मिला कि वे लाहौर दरबार में उपस्थित हो। मानसिंह लाहौर पहुंचा, जहां उसका भव्य स्वागत किया गया। स्वयं शहजादे सलीम ने लाहौर से कुछ मील दूर आकर मानसिंह की अगवानी की। शाही दरबार में अकबर ने उसकी प्रशंसा की। इस प्रकार 7 वर्ष तक वह बिहार का सूबेदार रहा और अपने सैनिक और राजनीतिक कुशलता के बल पर शांति एवं व्यवस्था स्थापित की और उड़ीसा पर मुगल प्रभुत्व को सुदृढ़ और विस्तृत किया। इसी अवस्था में 17 मार्च 1594 को अकबर ने मानसिंह को सईद खां के स्थान पर बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया। मानसिंह और उसके अनेक संबंधियों को भी बंगाल में जागीरें प्रदान की गई। इन सब का उद्देश्य था कि बंगाल में मुगल सत्ता की स्थापना दृढ़ता के साथ की जाए।
4 मई को मानसिंह अपने नए पद का दायित्व ग्रहण कर बंगाल की तरफ चल पड़ा। अकबर ने अपने साथ कई अपने अनुभवी सलाहकारों को भी रखा। टांडा नामक स्थान पर पहुंचने के बाद वहां के कई अफगान विद्रोहियों को कुचलकर अपनी सत्ता को स्थापित करने हेतु बुसना के दुर्ग को जीता। बंगाल में मानसिंह ने राजधानी बनाने के लिए अकमहल के प्राचीन नगर के पास राजमहल नगर की नींव रखी, जिसका नाम उसने अकबर नगर रखा, परंतु जनसाधारण में यह नगर राजमहल के नाम से ही प्रसिद्ध हुआ। इस समय बंगाल में मुगलों की सत्ता पूर्ण रूप से नहीं जमी थी। उड़ीसा के भागे हुए अनेक अफगान बंगाल में घुस चुके थे और उनके उकसाने पर बंगाल के कई स्थानीय जमींदार मुगलों को चुनौती देने लगे थे। ऐसी स्थिति में अकबर ने शहजादे सलीम के साथ 10,000 सवारों को मानसिंह की मदद हेतु भेजा। सलीम के उन्हीं सैनिकों और सरदारों को भेजा गया जो मानसिंह के निकट संबंधी थे, जैसे जगत सिंह, दुर्जन सिंह, हिम्मत सिंह, साका सिंह, भाव सिंह इत्यादि। बसना दुर्ग के पतन के बाद विद्रोही अफगानों ने खिजरपुर में अपना डेरा डाला। मानसिंह स्वयं खिजरपुर के ईसा खां की तरफ रवाना हुआ और गोरघाट नामक स्थान पर उन्हें पराजित किया। यद्यपि मानसिंह यहाँ बीमार भी पड़ गया, परंतु विद्रोहियों के नेता ईसा खां और मासूम खां काबुली को विद्रोहों को उकसाने का अवसर मिल गया। स्वस्थ होते ही मानसिंह ने अपने पुत्र को अफगानों के विरुद्ध भेजा और उसने अफगानों को पराजित किया। तत्पश्चात मानसिंह ने कूच बिहार को मुगलों की अधीनता में लाने का निश्चय किया। उस समय कूच बिहार में राजा लक्ष्मी नारायण का शासन था। उसके चचेरे भाई पत कुंवर ने अफगानों के विद्रोही नेता ईसा खां से साठगांठ कर रखी थी, अतः राजा लक्ष्मी नारायण ने अकबर का संरक्षण स्वीकार कर मानसिंह की सेवा में उपस्थित हुआ और उनके साथ एक संधि की। इस संधि के अनुसार लक्ष्मी नारायण ने अपनी बहन का विवाह राजा मानसिंह के साथ किया और उसके साथ अपने संबंधों को मजबूत बनाया। इस प्रकार उसने कूच बिहार के विद्रोहियों और अफगानों के खिलाफ लक्ष्मी नारायण के साथ एक मजबूत गठजोड़ बनाकर मुगल सत्ता को स्थापित किया। और जब ईसा खां और पत कुंवर ने कूच बिहार पर धावे मारने शुरू किए, तब मानसिंह ने एक बड़ी सेना भेजकर उनके विद्रोह को समाप्त किया। बड़े संघर्ष के बाद मानसिंह मुगल सत्ता की धाक जमाने में सफल रहा। शीघ्र ही ईसा खां ने मानसिंह से क्षमा याचना की और कुछ दिनों बाद मासूम खां काबुली की मृत्यु हो गई। इस प्रकार मानसिंह ने बंगाल में मुगल सत्ता को स्थायित्व प्रदान किया। बंगाल की इस आबोहवा में मानसिंह को अत्यंत कष्ट उठाने पड़े और वह लंबे समय के लिए बीमार पड़ गया। ऐसी अवस्था में उसने दरबार से बंगाल छोड़ने की स्वीकृति मांगी और अपने पुत्र जगत सिंह को वहां का प्रशासक बनाकर वह आगरा लौट आया। परंतु मानसिंह के वापस लौटते ही कुछ समय बाद जगत सिंह की मृत्यु हो गई। तब अकबर ने जगत सिंह के पुत्र महासिंह को उसका उत्तराधिकारी नियुक्त कर बंगाल भेजा। मानसिंह की अनुपस्थिति का लाभ उठाकर अनेक अफगान विद्रोहियों उस्मान सजावल
ने विद्रोह कर दिया। तब मान सिंह ने पुनः उनके खिलाफ संघर्ष किया और उनके विद्रोहों को दबाया। मान सिंह ने बंगाल के उपद्रवों की जानकारी प्राप्त कर उनके खिलाफ प्रभावी कार्यवाही की और काबुली मासूम खां काबुली के पुत्र सूजा और लचिनक कुशाल के पुत्र सैद को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किया। इस प्रकार उनके आत्मसमर्पण के साथ ही बंगाल का विद्रोह लगभग समाप्त हो गया। उसके उपरांत मानसिंह ने ढाका के राजा केदार राय को मुगल सत्ता के अंतर्गत लाने का कार्य शुरू किया। इसी बीच महासिंह ने अकराव मालदे के विद्रोही नेता जलाल, पूर्णिया के विद्रोही काजी मुनीम को दबाने में सफलता प्राप्त की। मानसिंह ने विक्रमपुर और सहारनपुर के विद्रोहों का दमन किया और दाऊद खां और अन्य अफगान सरदारों को 1602 में सोनार गांव के आसपास पराजित किया। इस प्रकार मानसिंह ने लगभग सभी विद्रोहियों को पराजित कर अपने अधिकार में ले लिया। घायल राजा केदार को भी बंदी बना लिया गया, जहां कुछ दिनों बाद उसकी मृत्यु हो गई। मानसिंह ने माक के राजा के खिलाफ भी आक्रमण किया, परंतु वह बिना लड़े ही अपने राज्य को वापस लौट गया। इस प्रकार मानसिंह ढाका लौट आया और बंगाल में पुनः शांति स्थापित हुई। मानसिंह ने अपनी योग्यता और वीरता से बंगाल में शांति स्थापित की, परंतु कुल मिलाकर बंगाल की सूबेदारी उसके लिए अत्यंत कष्टप्रद रही। उसे लगातार 10-11 वर्षों तक विद्रोहियों से संघर्ष करना पड़ा। इस अवधि में उसके 3 पराक्रमी पुत्र मृत्यु को प्राप्त हुए, जिससे उसका चित्त शोकाकुल हो उठा और वह इस पद से छुटकारा पाने के लिए व्यग्र हो उठा। जो ही उसे दरबार में उपस्थित होने का निमंत्रण मिला, वह तुरंत बंगाल से रवाना हुआ और अगस्त 1605 में आगरा पहुंचकर अकबर की सेवा में उपस्थित हुआ। अकबर को मानसिंह की सेवाओं से सत्यंत संतोष था। उसने अपने इस पराक्रमी स्वामी भक्त सेवक की पदोन्नति करते हुए 7,000 जात और 6,000 सवार का मनसब प्रदान किया। अकबर के शासनकाल में इतना उच्च मनसब केवल शाही घराने के सदस्यों और शहजादों को ही दिया जाता था। मानसिंह को यह सम्मान प्रदान कर अकबर ने अपनी उदारता और सहिष्णु नीति को सार्थक कर दिया। उसने मुगल दरबार में आमेर के कछवाहों की प्रतिष्ठा बढ़ गई। इतना ही नहीं, अपितु सम्राट ने मानसिंह को सलीम के पुत्र खुसरो का संरक्षक भी नियुक्त किया और मानसिंह के पुत्र महासिंह के मनसब में भी वृद्धि की। वस्तुतः तो मानसिंह इस समय अपनी शक्ति और प्रतिष्ठा की पराकाष्ठा पर था। अकबर ने अपने अंतिम दिनों में मानसिंह को आगरा बुला लिया और अन्य विश्वासपात्र लोगों को भी बुला लिया था और उन्हें सलीम के व्यवहार और विद्रोह से, चूंकि वह पहले से बहुत दुखी था, अतः संभवतः उन्होंने सलीम के प्रति स्वामी भक्ति प्रदर्शित करने हेतु उनको उनसे आश्वासन प्राप्त कर लिया था। इस प्रकार हम देखते हैं कि मानसिंह ने अपना संपूर्ण जीवन अकबर की सेवा में बिताया और न केवल मुगल साम्राज्य को एक दृढ़ आधार प्रदान किया, बल्कि राजपूताना जो आने वाले सभी आक्रमणकारियों के लिए कसौटी हुआ करता था, उन सभी राजपूत शासकों को अकबर की अधीनता में लाकर अकबर को अपनी सत्ता को उत्तर पश्चिमी भारत, पूर्वी भारत और भारत के अन्य क्षेत्रों में मुगल सत्ता के प्रसार में एक अहम भूमिका निभाई। अन्यथा हम देखते हैं अकबर से पूर्व जितने भी मुगल बादशाह या मुस्लिम सुल्तान हुए,
उन्हें अपनी अधिकांश शक्ति या शक्ति और ऊर्जा को राजपूताना के साथ संघर्ष में ही व्यय करना पड़ा, जबकि अकबर को राजपूतों के खिलाफ कम से कम संघर्ष करना पड़ा। केवल महाराणा प्रताप ही एक ऐसे व्यक्ति रहे जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। उसके अलावा राजपूताना के सभी राजपूत शासकों को अकबर की अधीनता स्वीकार करने को स्वीकार कराने में आमेर के कछवाहा राजघराने और विशेषकर मानसिंह का एक बड़ा योगदान रहा, और मानसिंह के साथ किए गए व्यवहार की वजह से भी अनेक राजपूत शासक अकबर से मित्रता की ओर अग्रसर हुए। इस प्रकार उन्होंने एक ऐसा उदाहरण पेश किया कि आप केंद्रीय सत्ता के साथ संबंध स्थापित करके न केवल अपने राज्य की बल्कि अपने जनता की भलाई भी कर सकते हैं और एक शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण स्थापित कर जनता के कल्याण हेतु कार्य भी कर सकते हैं। इस प्रकार ये कहना न्यायोचित होगा कि मानसिंह ने अपने समय की राजनीतिक परिस्थितियों को देखते समझते हुए समय अनुकूल कदम उठाया और राजपूताना में एक शांति और सुव्यवस्था की स्थापना करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया और मुगलों की सत्ता को उत्तर पश्चिमी भारत में काबुल और खैबर के दर्रे से लेकर गंगा सागर तक पूर्वी भारत में तक फैलाने में एक अत्यंत महत्वपूर्ण रोल अदा किया और मुगलों की सत्ता को संपूर्ण भारत में फैलाकर फैलाने में अपना योगदान महत्वपूर्ण योगदान स्थापित किया। जय हिंद, जय भारत।